हेलो स्टूडेंट्स हम सौदा का कसीदा पढ़ रहे हैं इन दिनों उठ गया बहमान उदय का चमानस्तान से अमल जो हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एम जी एस यूनिवर्सिटी गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर किस में है ये एम ए फाइनल के निसाब में शामिल है ठीक है अब हम इसके जो शार पढ़ चुके थे उसके बाद हमारा हम आज ये वाला शेर पढ़ेंगे महज से जिसकी मुनवर है दिल जूँ खुर्शीद मेहर से जिसकी मुनवर है दिल जूँ खुर्शीद रूसिया कीने से जिसके रहे मानदे जहल ठीक है देखो मेहर का मतलब सूरज भी होता है और मोहब्बत भी होता है दोनों मतलब होते हैं मुनवर का मतलब होता है रोशन खुर्शीद का मतलब भी सूरज होता है कीना कहते हैं बोज को वह रखते हैं ना कि लोग दिल दिलों के अंदर दुश्मनी रखते हैं किसी के लिए अदावत रखते हैं तो वही कीना कहलाता है जोहल कहते हैं सनीचर सनीचर देखो या शनि जिसे हिंदी में कहा जाता है वो एक सितारा होता है उसका रंग कहते हैं कि काला या सियाह रंग बताया गया है उसका रूसिया का मतलब होता है काला चेहरा ठीक है तो शायर क्या कह रहा कहना चाह रहा है इस शेर के अंदर वो कह रहा है कि जिसकी मोहब्बत से या जिसकी रोशनी से दिल इस तरह मुनवर या रोशन हो रहे जैसे कि खुर्शीद हो यानी सूरज जिस तरह रोशन है उसी तरह उसकी मोहब्बत से या उसके नूर से दिल रोशन रहे और रूसिया कीने से जिसके रहे मानंद जहल इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जिसके कीने से या जिसकी दुश्मनी से या जिसके बुग्ज़ से चेहरा इस तरह काला रहे जैसे ज़ुहल आसान अल्फाज में हम कैसे समझ सकते हैं इसको इसको हम समझ सकते हैं कि उस जात से जो अदावत करेगा या जो दुश्मनी करेगा या जो बुग्ज़ रखेगा तो उसका चेहरा ऐसा काला हो जैसे जहल और अगर उस जात से मोहब्बत करे कोई तो उसका दिल सूरज की तरह रोशन हो जाए ठीक है बुग्ज़ जिसका करे जू मोर सुलेमा को ज़यफ़ मोर को हुब से मिले जिसके बलों का सा बल शायद क्या कह रहा है बुग्ज़ जिसका करे जू मोर सुलेमा को ज़यीफ मोर को हुब से मिले जिसके बलों का सा बल बुक्स का मतलब अभी हमने देखा अदावत या दुश्मनी मोर कहते हैं चींटी को ज़यीफ का मतलब होता है बूढ़ा या कमज़ोर कमज़ोर मतलब है का मतलब मोहब्बत होता है बल कहते हैं ताकत को ठीक है तो शायर क्या कह रहा है कि मैं उस ज़ात की मद्दाही कर रहा हूँ या, यानी मैं उस जात की तारीफ कर रहा हूँ या मैं उस ज़ात का कसीदा कह रहा हूँ कि अगर उनसे कोई दुश्मनी या बोग रखा रखे यानी अगर उस ज़ात से दुश्मनी या बुग्ज रखी जाए तो हज़रत सुलेमान भी चींटी की तरह कमज़ोर और हक़ीर हो जाए, ज़यीफ का है ना तो ज़यीफ का मतलब कमज़ोर हो भी होता है तो क्या है कि चींटी की तरह कमज़ोर हो जाए मोर का मतलब चींटी क्या ना मो बोग जिसका करे जू मोर सुलेमा को ज़यीफ सुलेमा को भी जयीफ कर दे कमज़ोर कर दे सुलेमा को भी हक़ीर चींटी की तरह हक़ीर बना दे जिसका बोगज़ यानी जिस जिसके जिससे कोई दुश्मनी करेगा तो वो ऐसा मोर की तरह चींटी की तरह वो ज़ीफ़ और हकीर कमज़ोर हो जाएगा ठीक है मोर को हुब से मिले यानी चींटी को उनकी मोहब्बत से क्या हो जाएगा ताकतवरों की सी ताकत मिल जाएगी बलों का सा बल यानी ताकतवरों की सी ताकत मिल जाएगी अगर उनसे मोहब्बत किया की जाए तो कहने का मतलब यह है कि देखो मेरे ममदू यानी जो हज़रत अली है ना, उनसे मोहब्बत करने वाला जो है वो ताकतवर होगा और मेरे ममदू से दुश्मनी करने वाला चींटी की तरह कमज़ोर और फकीर हो जाएगा अगला शेर है जाए वसलत ब नबी जिसको नदी गैर अज़ अरश जाए वसलत ब नबी जिसको नदी गैर आज अरश फर्श गुलज़ार ज़मी हक़ ने समझ मुस्तमल जाए वसलत कहते हैं वसल की जगह यानी मिलने की जगह मुलाकात की जगह अर्श का मतलब होता है आसमान जाए वसलत बनबी नबी से मिलने की जगह गैरज अर्श आसमान के अलावा जा का मतलब होता है जगह फ़र्श गुलजार ज़मी की ज़मीन का फ़र्श यानी दुनिया की ज़मीन हक़ खुदा मुस्तमल इस्तेमाल में लिया हुआ नबी से जो शायर कह रहा है कि नबी से मुलाकात की जगह जिसको आसमान के अलावा नहीं दी गई यानी नबी से मिलने के लिए जिस ज़ात को आसमान की का फ़र्श दिया गया देखो सौदा जो है वो हजरत अली की मदा कर रहे हैं और ये कसीदा जो है ना वो हजरत अली की मदा में है और इस शेर में तलमी है शायर जो है वो एक ऐसे तारीख़ी वाक़े का बयान कर रहा है जिसका जिक्र कुरान शरीफ़ में है और वो क्या है वो है रसूल ख़ुदा के महराज पर जाने का वाक़ा जब खुदा ने अपने महबूब यानी रसूल खुदा सल वस को फर्श अर्श पर बुलाया तो वहाँ दो हाथ बरामद हुए और रसूल ख़ुदा की खुदा से गुफ्तु हुई तो कहा जाता है कि बाद में जब लोगों ने पूछा कि वो हाथ किसके थे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हज़रत अली जैसे हाथ थे तो लोगों ने पूछा कि गुफ्तु आपकी किस किस तरह हुई किस किसके लहजे में हुई तो रसोल खुद वसम ने कहा कि अली के लहजे में गुफगू हुई तो शायर जो है वो इसी वाके की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि जिसको नबी के साथ मिलने के लिए अर्श के अलावा और कोई जगह नहीं दी गई हो क्योंकि फ़र्श गुलजार ज़मी हक़ ने समझ मुस्तमल यानी हक़ ने या ख़ुदा ने दुनिया की ज़मीन को तो इस्तेमाल में लिया हुआ समझ कर अली की नबी से मुलाकात के लिए ज़मीन के बजाय अर्श यानी आसमान को मिलने के लिए जगह दी क्योंकि ज़मीन पर तो सभी नबी से मिल रहे थे और ये ज़मीन जो थी वो नबी से मुलाकात के लिए सबके इस्तेमाल में थी इसलिए अली को कहाँ मिलने के लिए जगह दी गई आसमान पर तो इस तरह वो अली की मदा में अली का मल बुलंद मरतबा बता रहे हैं कि ज़ात की मदा कर रहा हूँ मैं जिसको नबी से मिलने के लिए अर्श पर जगह दी गई यानी जमीन पर तो सब मिल रहे थे नबी से इसलिए खुदा ने अर्श को आसमान को जगह बनाया किसके लिए अली और नबी की मुलाकात के लिए अगला शेर है शेर यजदा शह मर्दा अली आली कद्र वसी खत्म रसुल और इमाम अवल शेर यजदा क्या है शेर यजदा खुदा का शेर शह मर्दा मर्दों का बादशाह अली क़द्र कहते हैं बुलंद मर्तबे का वसी खत्म रसुल यानि आखिरी नबी का वसी आखिरी नबी का नायब इमाम अव्वल यानी पहले इमाम तो शायर क्या कह रहे हैं शेर यजदा शह मरदा अली आली कदर वसी ख़ रसुल और इमाम अव्वल तो शायर का क्या मतलब है शायर कह रहा है देखो अब तक तो शायर जो है ना वो क्या कर रहे थे सौदा जो है वो अपने ममदूब का इशारे इशारे में बता रहे थे मतलब कह रहे थे कि मैं किसकी मदा कर रहा हूँ वो उन्होंने इशारे में बताया था लेकिन इस शेर के अंदर वो खुल करके वाज कर रहे हैं कि देखो कौन है मेरा ममदू क्या कहा उन्होंने वो पहले तो उन्होंने क्या कहा था कि जाए वसलत बनबी जिसको नदी गैर अर्श तो वो वाज नहीं कह रहे कि कौन है जिसको है ना अर्श पर बुलाया गया नबी से मिलने के लिए लेकिन अब क्या कह रहे हैं वो बस ये कहा कि जब देखो जिसको खुदा ने नबी से मुलाकात के लिए ज़मीन के बजाय अर्श की जगह दी यानी नबी से अर्श पर कौन मिला ये तो उन्होंने सिर्फ इशारा किया अब वो अपने ममदू का वाज तारुफ करा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कौन थे वो थे शेर अजदा यानी खुदा के शेर शाह मरदा यानी मर्दों के बादशाह थे वो मर्दों के बादशाह हैं वो जिनकी मैं मदा कर रहा हूँ खुदा के शेर हैं वो और नाम ले रहे हैं वो किसका अली अली जो आली कदर हैं यानी बुलंद मर्तबे के मालिक हैं वसी ख़म रसुल जो आखिरी नबी के वसी हैं और इमामत के सिलसिले के अवलिन इमाम हैं ठीक है खाक नालेन की जिसकी मदद ताले से पहुँचे उस शख्स को जो शख्स हो अज़ल नालेन किसे कहते हैं नालण का मतलब होता है जूतियाँ खाक का मतलब होता है मिट्टी ताले कहते हैं किस्मत को आमा का मतलब होता है अंधा अजल अजल यानी इब्तिदा से इब्तिदा, तो आमा अज़ल का मतलब होता है यानी जो इब्तिदा से ही अंधा हो जो पैदाइश से ही अंधा हो देखो यहाँ भी काफ है तो, शा, तो इस क्या है ये पताबन शेर है यानी इस शेर के साथ नीचे वाले शेर को मिला कर के हमें मतलब पढ़ना है तो शायर क्या कह रहा है कि इसे क्या कह रहा है शायर कह रहा है कि जूतियों की खाक तकदीर की मदद से यानी किस्मत की मदद से ऐसे शख्स को पहुंच जाए खाक नालेन की जिसकी जूतियों की खाक जिसकी जिसकी जूतियों की खाक मदद ताले से ताल ताले कहते हैं किस्मत को किस्मत की मदद से पहुँचे उस शख्स को उस शख्स को पहुँच जाए जो शख्स हो आमाए अज़ल जो जन्म से ही अंधा हो जो पैदाइश से ही अंधा हो तो क्या होगा तो वो उसका मतलब अब नीचे वाले शेर में बता रहे हैं वो क्या करें वो नज़र आए उसे दहर की बीनाई से रह गया और रहेगा जो अब तक उझल वो नज़र आए उसे देखो दहर का मतलब होता है दुनिया बीनाई कहते हैं आँख की रोशनी को या बसारत को अब वैसे तो अबद का मतलब होता है हमेशगी लेकिन जब तक दुनिया कायम है यानी आखिरी दिन कयामत का दिन जो है वो अबद शायर क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जिसे हजरत अली की जूतियों की खाक मिल जाए चाहे वो इब्ता से या पैदाइश से ही अंधा हो तो दहर की बीनाई से यानी दुनिया की रोशनी से या दुनिया की बसारत से उसे वो नज़र आएगा वो नज़र आए उसे दहर की बीनाई से यानी दहर की बीनाई से दुनिया की रोशनी से उसे वो नज़र आएगा जो अबद तक यानी क़यामत तक ओझल है रह गया और रहेगा जो अबद तक ओझल यानी जो रह गया है ओझल और कयामत तक अबद तक ओझल रहेगा यानी जिसे किसी ने ना देखा है न देख पाएगा वो भी उस जन्म के अंधे को नजर आ जाएगा अगर उसे हज़रत अली की जूतियों की खाक मिल जाए यानी यह अली की जूतियों की खाक का फ़ैज़ है कि उसे वो नज़र आएगा जो कि किसी और को नज़र नहीं आया कयामत तक नज़र आएगा ठीक है किताब को सामने रख कर के पढ़िए इसको सुन सुन कर के समझ के कोशिश कीजिए इसे समझने की क्योंकि कसीदा थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए हम कम कम अशार आपको समझा रहे हैं और आइंदा दूसरे उसमें वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा थैंक यू